पावर पावर इंस्टेंटेनियस। पावर इंस्टेंटेनियस बाय अ फोर्स, दिस इज डिफाइंड एज व्हाट? रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन। और छोटा सा वर्क डन को क्या लिख सकता हूं? एफ डॉट डी एस बाय डी टी। तो ये हो जाएगा एफ डॉट वी। तो पावर इंस्टेंटेनियस बाय अ फोर्स क्या हो जाएगा? एफ डॉट वी, याद रखना, ठीक है? पावर का फॉर्मूला हो गया एफ डॉट वी, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू अ फोर्स। वेयर डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन को क्या लिख दोगे? छोटा सा वर्क डन। सो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। क्या क्वेश्चन है? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। भाई वैल्यू मान लो फोर्स की चेंज हो रही है हर डिफरेंट पॉइंट पे, तो तुम उसका वर्क डन कैसे निकालोगे? मान लो तुम ये कह दो कि यार यहां से जाना है मुझे, ए से जाना है बी तक, इस पाथ पे जाना है, इस पाथ पे जाना है, तो क्या करना? सबसे पहला स्टेप तो ये हो जाएगा कि वेरिएबल फोर्स है तो कट द पाथ इनटू इनफाइनाइटली मैनी स्मॉल पार्ट्स। पहला स्टेप तो क्या हो गया? कट द पाथ इंटू इनफाइनाइटली मैनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। कि भाई यहां से ए से बी जाने के पाथ को छोटे छोटे पार्टों में कट कर दो। कर दिया भाई, तुम होगी इससे क्या फायदा होगा? फिर क्या कर दो? एक छोटे से पार्ट पे फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं? भाई फोर्स वेरिएबल थी, यहां पे अलग थी, यहां पे हो सकता है डिफरेंट वैल्यू हो, डिफरेंट डायरेक्शन हो, यहां पे अलग हो, यहां पे अलग हो, यहां पे इसके साथ ही हो। मैंने कहा छोटे से पार्ट पे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे, तो कह सकता हूं ना कि इतने से छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे इस फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो छोटा सा वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ वन डॉट डी एस वन। ये डी एस वन हो गया बेसिकली, हाँ या ना? फिर दूसरा छोटा सा वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ टू डॉट डी एस टू एंड गोज ऑन। सो कैन आई से वर्क डन नेट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ डी डब्ल्यू। एंड व्हाट इज समेशन ऑफ डी डब्ल्यू और स्मॉल स्मॉल पार्ट्स? दैट्स टेक्निकली इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। समेशन ओवर स्मॉल पार्ट्स वॉज इंटीग्रेशन, इफ यू रिमेंबर। तो दिस इज नथिंग बट इंटेग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। गॉट इट और नॉट? दिस इज द आइडिया ऑफ थिंकिंग, दिस इज हाउ यू थिंक ओवर इट। हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? यू से कि यार डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में काट दो, छोटे से पार्ट पे छोटा सा वर्क डन निकाल लेना और उस पर कर देना समेशन, हाँ या ना? पूरे पार्ट्स के, पूरे पाथ के ऊपर समेशन हो जाना चाहिए, सो दैट कि हर पार्ट पे वर्क डन निकलता जाए और ऐड होता जाए। तो इंटीग्रेट कर देना और बेसिकली तुम्हारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही समझ में आता है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक लाइन लिखा होता है किताबों में, क्या? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। उसका लॉजिक समझ में आ गया क्यों कहते हैं वो एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल, हाँ या ना? सपोज तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा पहले। तो मैंने कहा भाई देखो ये एक्स है, ये एक्स इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट हो गया। फोर्स डिफाइन कर दी मैंने कि जब तुम ओरिजिन से लोकेशन एक्स पे होते हो तो फोर्स की वैल्यू होती है इधर की तरफ, और फोर्स की वैल्यू होती है के अपॉन
एक्स स्क्वायर कैसी होती है? के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बोल दिया उसने। एक्स कहां से लेना? ओरिजिन से, कि पार्टिकल गया गया कहां से? ए से बी तक। पार्टिकल गया ए से बी तक, ये डिस्टेंस कह दिया एक्स नॉट और ये डिस्टेंस कह दिया 2x0 और वो गया a से b, मतलब वेक्टर ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, हाँ या ना? और ये फोर्स थी जो डिफाइंड थी। तो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय f फ्रॉम a टू b। अब बच्चों के दिमाग में कैसे, सबसे पहला गलत ख्याल क्या आएगा कि कैसे करना है वर्क डन बाय एफ, कैसे सोचा जाए? वो कहेंगे एफ डॉट एस कर दो। मैंने कहा वो तो बेटा ठीक है, एफ इधर लगेगी, डिस्प्लेसमेंट ये ले लोगे कितनी 2x0, एफ की वैल्यू कौन सी लोगे? यहां पर वैल्यू अलग है, यहां पर फोर्स की वैल्यू है के बाय एक्स नॉट स्क्वायर और यहां पर फोर्स की वैल्यू है के बाय जी नहीं 3x0 का स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला था कि फोर्स डिफाइंड है x फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये x0 है, ये 2x0 है, तो ओरिजिन से तो 3x0 है, तो f by k by 3x0 स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब तुम f dot s करने बैठ गए तो k by x0 स्क्वायर इनटू में 2x0 इनटू cos 180 अगर करने लगे तो इसमें गलत है ना। गलत क्या है कि ये फोर्स की वैल्यू क्यों ली तुमने, क्या ये पूरे डिस्प्लेसमेंट पे सेम है? समझ में आया ना कि ये गलत कहां पे सोचा गया है? फिर क्या करना चाहिए था? फिर मेरे दिमाग में आया हमें क्या करना चाहिए था, जब तुम ओरिजिन से कह रहे हो यहां से गया यहां तक तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई ऐसे वेक्टर। मैंने कहा इसको छोटे छोटे पार्टों में काट दो, काट दिया। फिर ऐसे कहो, मान लो यहां पर इस डिस्टेंस को y ले लूं और फिर ये कहूं कि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो गई इधर की तरफ dy। अब मैंने तुम्हें y कहां से ले लिया? ओरिजिन से ही ले लिया। अब तुम्हें y क्या चीज है? कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल है। और मैंने कहा ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो गई dy, जब ये डब्बा यहां पे था तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रही थी k बाय y स्क्वायर। तो छोटा सा वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या हो जाएगा? k बाय y स्क्वायर इनटू dy इनटू cos 180। तुम कहोगे ये कैसे सोच लिया? मैंने कहा यही तो सोचना था कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट मान लोगे, जो इस एंड पे होगी वही इस एंड पे भी होगी, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है बहुत थोड़ा सा गए हो, तो हमने कहा फोर्स छोटा सा छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे सेम है। और कितना होगा? k by y square हो जाएगा इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ, तो तुमने कहा इसलिए cos 180 भी लिया, ले लिया मैंने, तो k by y square into dy into cos 180 किसका ले लिया मैंने? समेशन। अब रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है हो गया? अब y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? y कहां से कहां तक लेके जाऊं कि ये सारी डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो जाएं? मैंने कहा बेटा तुमने y ले लिया यहां से, तो यहां की जब डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी तो y की वैल्यू ये रही होगी, जब ये डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी तो y की वैल्यू ये रही होगी, जब यहां की डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी छोटी सी तो y की वैल्यू ये रही होगी, तो y की वैल्यू x नॉट से 3x0 तक जानी चाहिए। नहीं समझे? फिर समझाता हूं मैं। उसने ये कहा कि यहां से गए तुम यहां और तुमने ऐसे ऐसे छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स ले ली। अब तुमने क्या किया है, तुमने ये कहा है कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस y है और यहां पे dy ले लिया, तो तुमने कहा जब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो y क्या होगा? ये जब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो y क्या होगा? ये। तो y कहां से कहां तक वेरी किया? x0 से 3x0 तक वेरी करा।
तो यही डिस्प्लेसमेंट्स काउंट होंगी ना। अब किसी ने कहा सर आप मैं जीरो से 3x0 ले लेता, तो मैंने कहा फिर तुम यहां पर भी वर्क डन निकाल रहे हो। अगर तुम लिमिट जीरो से 2x0 ले लेते तो बहुत ही बड़ा पाप होता, फिर तुम जीरो से 2x0 तक का वर्क डन निकाल रहे होते। तुम्हें x0 से 3x0 का वर्क डन लेना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर निकलेगा। अब बात समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं, अच्छा अब इसका इंटीग्रल ये आ गया k cos 180 हो गया -1 y स्क्वायर 1/y स्क्वायर y की पावर -2+1 अपॉन -2+1, तो ये हो गया -1/y, हाँ या ना? क्योंकि y की पावर -1/-1 और लिमिट डाल दी x0 से 3x0, रुक जाओ अभी खत्म नहीं हुआ, ये आ गया k 1/3x0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/x0 फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ये हो गया वर्क डन बाय फोर्स। अच्छा फिर सोचते हैं, लेट्स थिंक अगेन। मैंने कहा क्या क्वेश्चन क्या था, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे सोच रहे थे कि ये यहां से चला यहां गया था। मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट करना था, इसको छोटे छोटे पार्टों में तुमने काट दिया। अब मैंने कहा इस बार मैंने वेरिएबल कुछ और ले लिया, से जेड ले लिया, मैं जानबूझ के डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा हूं एक्स को, मैं एक्स लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं ये जेड लेना और ये वाई लेना हैज गॉट नथिंग टू डू विद जो एक्स दिया गया है, हाँ या ना? चाहता तो इसको एक्स भी ले सकता था, फिर थोड़ा कंफ्यूजन होने का डर लगता। मैंने कहा चलो यार ठीक है, इसे एक्स ले लिया। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट छोटा सा क्या ले लूंगा, किधर की तरफ जा रहे थे, इधर की तरफ जा रहे थे ना, तो इधर की तरफ वेक्टर ले लोगे डीएक्स। अब तुमने एक्स यहां से ले लिया और ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितना था एक्स नॉट, और फोर्स डिफाइंड था ओरिजिन से डिस्टेंस पे, तो फोर्स की वैल्यू तुम्हें लिखनी चाहिए यहां पर के अपॉन एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थिंक ओवर इट भाई, फोर्स वॉज डिफाइंड एज के बाय एक्स स्क्वायर, एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब तुम क्या कर रहे हो, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, तुमने वेरिएबल क्या ले लिया, तुमने कहा यहां से x लेके dx ले रहा हूं मैं, तो यहां पर वह फोर्स लोगे तो वो क्या लिखोगे, k x0 प्लस x का स्क्वायर लोगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मैंने कहा अब तुमको इतनी मेहनत क्यों, जब सॉल्व हो गया यार, पॉइंट इसकी वहां पे पेपर में मैं थोड़ी बैठा हूं तुम्हारे साथ कि भैया यहां से x y ले लेना, कोई रूल भी नहीं है वहां पे, तुम्हारे दिमाग में आया यहां से x ले लिया, मैंने कहा ले लिया तो ले लिया, फिर छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा k अपॉन x0 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री, छोटा सा वर्क डन निकाल लिया छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे, तो k अपॉन x0 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx cos 180। बेटा रुक जाओ, इंटीग्रेट करोगे ये बता दो, ये x अब कहां से कहां जाना चाहिए, क्योंकि ये जाना चाहिए 0 से 2x0, लिमिट भी सोचनी पड़ेगी, क्यों सोचो, जब ये x लिया है तुमने, ये डिस्टेंस x लिया है, जब ये डिस्प्लेसमेंट लोगे तो x कितना है 0, और जब यहां का डिस्प्लेसमेंट लोगे तो ये x कितना है 2x0। क्या समझ में आया, कुछ परसेंट समझ में आया है? बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब 11th खत्म हो जाएगी, 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन यहां पर दैट इज द पहली बार जब तुम्हें झटका लगा है, लग चुका ना कि भैया एक्सप्रेशन चेंज किया है मैंने और फिर लिमिट सोच के डाली है 0 से 2x0। अब तुम्हें लग रहा है ये इंटीग्रल टफ हो गया, ये इंटीग्रल टफ नहीं है, ये इंटीग्रल इस टाइप का है, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी की पावर n का, ये इंटीग्रल बनता था ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x।
जैसे ये हो गया 2x+3 की पावर 5 dx का इंटीग्रल, ये बन जाएगा 2x+3 की पावर 6/6 डिवाइडेड बाय 2। अब तुम कहोगे ये इंटीग्रल क्या है, dx अपॉन x0+x का स्क्वायर, तो ये आ गया x0+x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 इनटू 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x भी 1 ही है, तो ये बन गया बेसिकली -1 अपॉन x0+x। हां जी, समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये क्या बन जाएगा, रुक जाओ, माइनस के तो आ गया k और cos 180 से, फिर बनेगा -1 अपॉन x0+x और लिमिट डालेंगे 0 से 2x0। ये माइनस माइनस तो हो चुका प्लस, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो ये आ जाएगा k 1 अपॉन x0+2x0 -1 अपॉन x0+0। कैन आई से द आंसर इज सेम, दैट्स k 1/3x0 -1/x0, इट हैज टू बी सेम, इट हैज टू बी सेम। इफ द आंसर चेंजेस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। समझ में आया कि नहीं आया? This is work done by a variable force defined as k by x square when the particle goes from A to B. हाँ या ना? मजा आया? I have actually calculated work done by gravitational force gm1 m2 by x square. K को gm1 m2 लिख दोगे कि यहाँ पर एक मास था m1, ये मास था m2. जब इस मास m इसको रख दो फिक्स करके, इसको यहां से यहां लेके जाओगे तो बेचारे पे वर्क डन कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये लगेगा। और जब मैं बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिखाऊंगा कौन से चैप्टर में, ग्रेविटेशन में, तो ये वर्क डन का नेगेटिव इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैं कहूंगा देखो ये तो मैं पहले ही करा चुका था, k की जगह क्या डाल देना, gm1 M2 डाल देना। So, ये समझ में आया? अब जैसे मान लो गाइस, मान लो ये है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ दे दी सपोज से L0, तो क्या मैं कह सकता हूं नेचुरल लेंथ में तो कोई फोर्स नहीं होगी स्प्रिंग में? स्प्रिंग में जो फोर्स होती है याद करो वो कैसे होती है, kx होती है, x या तो इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। कि भाई ये नेचुरल लेंथ थी तो नेचुरल लेंथ नहीं, ये L0 है, अगर तो मैंने इसे खींच दिया, अगर मैंने खींच दिया तो ये कह दिया L0+x1, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पे फोर्स L0+x1 नहीं लगेगी, कितनी लगेगी kx1, इस पे कितनी लगेगी kx1। मैंने इसे दबा दिया, क्या कर दिया इसको, ऐसे कर दिया, इसे कह दिया L0-y, तो इधर फोर्स लग जाएगी ky, इधर लग जाएगी ky, हाँ या ना? इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है, उसका वर्क डन में तो इंटीग्रेट मारेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? गॉट इट और नॉट? तो क्वेश्चन है, अगर हम नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करें x0, कितना इलोंगेट करें नेचुरल लेंथ से x0। अब दो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं इसके, क्वेश्चन वन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इन स्लोली इलोंगेटिंग स्प्रिंग फ्रॉम
नेचुरल लेंथ 2x0। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन टू, वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन इलोंगेटिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ 2x0। दो अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग था हमारी नेचुरल लेंथ पे, इसको मैंने खींच खींच के यहां तक ले गया। देखो ऐसा है, जो ये डिस्प्लेसमेंट था इसको काट दो छोटे छोटे पार्टों में। हाँ जी, दैट मेक सम सेंस। फिर ये कह दो कि x डिस्टेंस पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं dx। अब थोड़ा सा मजे लिए इसने। अब इसने क्या कहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन स्लोली इलांगेटिंग। यानी कि ये क्या बकवास करी इसने, ये तो कुछ अजीब सी बात बोल दी। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इधर से एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा जो स्प्रिंग वाली फोर्स को ओवरकम कर जाए। इधर लगना चाहिए एफ स्प्रिंग। हाँ या ना? एक्सटर्नल इधर की तरफ लगाना पड़ेगा ना ओवरऑल। हाँ, क्योंकि ये एक्सटर्नल की वैल्यू वेरिएबल आती जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी वेरिएबल आएगी। तुमको कांस्टेंट भी रख सकते थे, एक्सटर्नल ज्यादा रख लो। मैंने कहा नहीं, फिर एक और वर्ड यूज किया इसने, स्लोली इलोंगेटिंग। अब स्लोली का मतलब क्या है? स्लोली का मतलब है हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मोर और लेस जीरो। अब जीरो होगी तो फिर तो हिलेगा ही नहीं, लेकिन ये कहना चाह रहा है स्लोली। स्लोली मतलब एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड। इक्वल नहीं बोल रहा मैं, इक्वल बोल दूंगा तो फिर तो हिल ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा एक्स पे? के एक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाना चाहिए? के एक्स। तो मैं यहां पर छोटा सा वर्क डन कितना लिख सकता हूं? छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोल सकता हूं एफ एक्सटर्नल का डॉट प्रोडक्ट विद डीएक्स। हाँ या ना? वो हो जाएगा एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इंटू डीएक्स का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो। और ये वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? के एक्स इंटू डीएक्स कॉस जीरो, तो वन हो गया। इसी का मैंने कर दिया समेशन। एक्स की वैल्यू जानी चाहिए जीरो से एक्स नॉट। हाँ, एक्स की वैल्यू जानी चाहिए जीरो से एक्स नॉट। और फिर मैं कहूंगा ये आ गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये वर्क डन आ गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये कौन से वाला वर्क डन है? एक्सटर्नल वाला। हाँ या ना? अब अगर सोचा जाए स्प्रिंग फोर्स वाला वर्क डन क्या आएगा? मैंने कहा छोटा सा वर्क डन बाय स्प्रिंग। मैंने कहा यहां पर एक्स पे थे और स्प्रिंग फोर्स लग रही थी इधर। हाँ या ना? तो इस केस में आ जाएगा के एक्स डी एक्स कॉस 180 एक्स। के एक्स डी एक्स कॉस 180 एक्स गोज फ्रॉम जीरो से एक्स नॉट। एंड नाउ दिस बिकम्स माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो छोटा सा वर्क डन मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन स्लोली इलोंगेटिंग इज पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन इलोंगेटिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू एक्स नॉट इज नेगेटिव। यहां तक का अच्छे से समझ में आया? तुम्हारे स्कूल के पेपर में आएगा, मुझे मत कहना कि ये आता नहीं। आता है, ये आता है या नहीं आता है? आता है। अब मैं एक और चीज बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा था यार ये एक्सटर्नल ने पॉजिटिव वर्क डन किया है ना, एक्सटर्नल ने पॉजिटिव किया है, स्प्रिंग ने नेगेटिव किया है। यार ये एक्सटर्नल ने पॉजिटिव वर्क डन किया, ये एनर्जी कहां गई? पॉजिटिव एनर्जी आई सिस्टम में चली गई होगी, जानी चाहिए।
यार यहां पर भी वेलोसिटी जीरो, यहां पर भी वेलोसिटी जीरो, क्योंकि तुमने स्लोली किया था, तो काइनेटिक में तो गई नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी नहीं गई, तो एक्सटर्नल वर्क डन की जो पॉजिटिव एनर्जी आई वो सिस्टम में जाके स्टोर हो गई। सिस्टम में जाके वो स्टोर हो गई किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो हम ये कहेंगे कि वन से टू के बीच में, वन से इधर देखो, वन से टू के बीच में, बीच में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हैज इंक्रीज्ड बाय हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। हां जी, इसका मतलब हम चाहे तो रेफरेंस लेवल मान ले, क्या रेफरेंस लेवल मान ले कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है जीरो, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। मैंने तो फील से बोला कि मैंने कहा वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज गेन इन ईपी ऑफ स्प्रिंग। हां जी, मैंने तो ऐसे सोचा है कि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज गेन इन ईपी ऑफ स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं। क्यों नहीं चेंज आया? क्योंकि स्लोली कर रहे थे। हाँ या ना? अगर तुम्हें डेफिनेशन फॉलो करनी है, I'm safeguarding your school also. अगर तुम्हें डेफिनेशन फॉलो करनी है, तो उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर दी? डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, नहीं कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब स्प्रिंग फोर्स बोला है, तो दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। कितना था वो भी निकलवाया था मैंने। हाँ जी, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस। तो दैट इज योर चेंज इन और इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ है और स्प्रिंग कांस्टेंट की है, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इन स्लोली कंप्रेसिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू एक्स नॉट। बात समझ में आई? भाई यहां से उसे कंप्रेस करना था कहां तक? एक्स नॉट तक। मैंने कहा देखो ऐसा है, अगेन तुम्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्प्लेसमेंट काटनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा जब ये ऑलरेडी कंप्रेस हो चुका होगा कितना वाई, तो स्प्रिंग फोर्स तो लगेगी इधर की तरफ के वाई, तो एक्सटर्नल तुम्हें इधर लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा dy, तो एक्सटर्नल का वर्क डन फिर से पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इट विल बी एफ एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड dy मैग्नीट्यूड cos 0 ही आएगा। हाँ या ना? टेक योर टाइम। हाँ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स उधर लगेगी ना ky, तो इधर इधर से एफ एक्सटर्नल इधर ही लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? तो ये आ जाएगा ky into dy integral y goes from 0 से x naught, so this becomes plus half k x naught square। इसका मतलब जब तुम यहां से यहां तक लेके आओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज ही आएगा। तो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे ये कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और उसे x इलोंगेट कर दोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर, और उसे नेचुरल लेंथ से दबा दोगे तो भी एनर्जी ज्यादा ही होती है, कितनी? हाफ के एक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का?
ऐसे ही वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के वाई डी वाई कॉस 180, वाई गोज फ्रॉम जीरो से एक्स नॉट, सो दिस बिकम्स हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी माइनस कॉस 180 खा गए, हाँ या ना? मैं ये समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ है। अब कोई कहे कि नेचुरल लेंथ नहीं, ये डिस्टेंस x नॉट है और x नॉट से हम गए 2x नॉट और गए, तो इसको 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। वॉट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2? वॉट इज यू का इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज बिटवीन 1 एंड 2? अब तुम्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो कि पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1। पोटेंशियल एनर्जी एट 2 कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कहां से? नेचुरल लेंथ से। तो हमने कहा 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के 3x नॉट का स्क्वायर इनिशियल हो जाएगी माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। This is the increase in potential energy when the spring goes from 1 to 2. क्योंकि एक बार potential energy function define कर दिया, तो अब मैं integrate नहीं करूंगा। That's the whole point. अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. मतलब अगर कोई पूछे इसी question में What is work done by F external in going from 1 to 2? मैंने कहा वो work done किया, वो कहां चला गया? Final potential energy minus initial potential energy. वो सीधा यही लिख दूंगा, यही होगा वो work done. फिर से integrate करने की जरूरत नहीं है।